आज हम आपको दो भाई से मिलाने जा रहे हैं, जो एक ही घर के दो भाई है ना। दोनों के एक ही बार नौकरी लग गई है ना। दो भाई और दोनों एक ही घर से, दोनों की नौकरी इसी साल लग गई है ना। वो अपने बताएंगे, नौकरी मैंने बताया, बाकी तो आपको जितना मन करेगा है ना पूछना है। चूंकि हो जाने के बाद वो आपको अपना जो भी दिक्कत हुआ वो आपको बताएंगे, आपको शेयर कर देंगे कि वो दिक्कत में आप ना फंसे है ना, और वो कैसे मेहनत किए, उसमें क्या सबसे ज़्यादा योगदान है। ठीक है, केवल पढ़ते रहना है कि पढ़ने का कुछ और तरीका होना चाहिए, कैसे हम पढ़ें। चलिए दोनों भाई से मिल लिए। एक हुए बड़े भाई है ना और एक छोटे भाई, और दोनों मेरे यहाँ ही पढ़े है ना, और प्रैक्टिस भी कर करके अपनी रिजल्ट लिए। तो बाकी चीज़ें आपको मन में जो कुछ रहे है ना बता बताएंगे। पहले इनको ब्रीफ दे दीजिए, कहाँ कहाँ कैसे कैसे पढ़े। रेलवे में जाना है तो मैथ रीजनिंग मतलब रहना चाहिए बढ़िया। रेलवे में बढ़िया से जाना है, अगर बढ़िया से पोस्ट आपको मिल जाएगा, मतलब लेवल 6 का भी पोस्ट मिल सकता है। हम लोग के एसएस लेवल 5 के मिला है, काहे कि लेवल 6 के पोस्ट नहीं था हम लोग के लिए। हम लोग विकलांग कोटा से आते हैं तो लेवल 6 के पोस्ट हम लोग के नहीं है, लेवल 5 का मिला है। और ये हुआ मेरा भाई छोटा, जो मतलब ग्रुप डी में है इसी बार। इसके लिए रेलवे में जाने के लिए मतलब मैथ रीजनिंग रहना चाहिए, और अगर एसएससी में जाना है तो इंग्लिश जरूरी रहना चाहिए, और उसके लिए एडवांस मैथ। एसएससी में जाना तो एडवांस मैथ जरूरी है, क्या कि उसमें एडवांस मैथ कम से कम आधा से ज़्यादा रहता है, जितना कमर्शियल मैथ रहेगा उससे ज़्यादा रहेगा। अगर कोई बुक अगर एक मार्केट में उपलब्ध होता तो ऐसा मतलब तो नहीं ना है कि मतलब सब बुक नहीं बिकता। सब मतलब बुक पढ़िए, जो आपको इच्छा लगता है जो पढ़िए, मगर कम ही रखिए, यानी जितना कम से कम रहे वो उसी को मतलब बार बार पढ़िए। जितना बार बार पढ़िए, जीके के लिए चाहिए तो यही करना है। ज़्यादा मतलब ले लीजिएगा, कहेगा कोई कहीं जाइएगा तो कहेगा कि मतलब ई वाला बुक ले लीजिए, कहीं कहेगा ई बुक ले लीजिए, तो आपको मतलब मटेरियल ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे मतलब रिविजन करने में दिक्कत हो जाएगा। कोई भी चीज़ के लिए मटेरियल मतलब कम रखिए, जितना कम से कम रखिए उतना ही अच्छा रहेगा, रिवीजन के टाइम में मतलब काम देगा एग्जाम के टाइम में। आपका रिजल्ट में सबसे ज्यादा हेल्प कौन सा सब्जेक्ट किया है? मैथ रीजनिंग होता है कि मतलब 70 नंबर मेंस में जाइएगा, 70 नंबर, और अगर पीटी में जाइएगा तो 55 नंबर। रेलवे में सोच लीजिए आप 45 नंबर में बाकी सारा विषय, तो उसमें हो जाता है करेंट अफेयर, जीके जीएस सब मिला करके, तो सोच लीजिए कितना विषय होता है 45 नंबर, 45 क्वेश्चन में। अगर हिस्ट्री पढ़ना चालू करिएगा तो उसको पता चलेगा कि आप 6 महीना हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी पढ़िएगा तो उसके लिए भी मतलब लग जाएगा, आप देख लीजिए आराम से। आप फिर बाद में मतलब साइंस वाइंस तो देख ही रहे हैं कितना बड़ा है। 45 नंबर के लिए उतना करिए, करेंट अफेयर डेली बढ़ते रहता है, सही है, इसीलिए मतलब ध्यान से पढ़िएगा। आप पढ़े, उसके बाद पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस का फायदा हुआ कि पढ़ के केवल रिजल्ट ले लेगा? पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस जरूरी है। आप सेट एक लगाते रहिए डेली, पढ़ते रहिए, लगाते रहिए सेट, सेट लगाइएगा बढ़िया रहेगा। अगर सेट नहीं लगाते हैं तो आगे जाकर के मतलब सारा रूल भूल जाइएगा, ताकि फिर से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो सेट ऑनलाइन भी लगा सकते हैं ऑफलाइन भी लगा सकते हैं। अगर लड़कन आपके पास है तो ऑफलाइन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ऑनलाइन से ये होगा कि मतलब आप ऑल इंडिया में मतलब आप रैंक देख सकते हैं, इसलिए ऑनलाइन भी करते रहिए प्रैक्टिस। अभी तो आदमी पर निर्भर करता है, अफसोस जितना होता है उतना ही करिए, अगर कम करिएगा ज़्यादा दिन में लगेगा, और अगर ज़्यादा करते हैं तो कम समय में लगेगा, ये तो आप पर डिपेंड करता है।
आप जब ग्रुप में प्रैक्टिस करते थे तो आप में औरों में क्या अंतर होता था? जैसे आप भी होंगे, 5-6 बच्चे होंगे, 10 बच्चे होंगे, है ना? तो 10 बच्चे में आप उन लोगों से क्या अलग था? हमको में और उन लोगों में यही अंतर था कि उन लोग मतलब बनाते थे मतलब बेसिक लेवल से, जिस प्रकार एक्स माना जाता है, और हम लोग थे यहाँ पर ही पढ़े हुए हैं तो हम लोग बिना एक्स के बना लेते थे। यही दोनों में अंतर था। और अभी तो ऑनलाइन वाला सिस्टम है, तब तो सागर मतलब लगभग में वैसा ही चल रहा है, बिना एक्स के ही। हम लोग कम से कम 2016 से कर रहे हैं। 2016 के बाद मतलब 19 में मतलब आया था फॉर्म, और उसके बाद तो मतलब एग्जाम नहीं हुआ। ये आपको बताया कि हम 16 में तैयारी चालू किए थे, 19 में फॉर्म भरे, 19 में फॉर्म भरे तो उसी का तो रिजल्ट आया। अब इनकी बोर्ड की गलती है ना, सरकार की गलती, को 19 वाला 22 में रिजल्ट दिया है, नहीं। लेकिन तैयारी तो उन्होंने किया और अपनी अटेम्प्ट के अनुसार रिजल्ट भी लिए। और कई एक रिजल्ट ऐसा नहीं हुआ होगा कि इनको NTPC में हुआ होगा, कई एक जगह मेंस में जाके छटे होंगे, कुछ में अपना फिर ना मूल्यांकन किए होंगे, है ना, कि SSC में जाएंगे तो हमारी इंग्लिश कितनी अच्छी है, इंग्लिश के कारण रिजल्ट रुका होगा, है ना। तो आपको भी देखना होगा कि हमारा जी, मैं आप लोग को भी बोलते रहता, इन लोग को भी यही बोला था कि मैथ रीजनिंग तो आपको हर एक एग्जाम में चाहिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल का हो। लेकिन साथ ही साथ क्या होना चाहिए कि आपका GK या इंग्लिश दोनों में एगो अच्छा होगा। अगर GK अच्छा है तो रेलवे और स्टेट गवर्नमेंट की ओर भागिए, अगर इंग्लिश अच्छा है तो आप SSC की ओर भागिए, नहीं। जैसा कि आप इनसे भी मिल सकते हैं और इनसे पूछ सकते हैं, ठीक ना। तो आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको ये बताए कि GK आप किन्हीं के यहाँ जाके पढ़ भी सकते हैं और सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ स्टडी में क्या करना है, बहुत सारे बच्चे डेली किताब खरीद लेते हैं, लेकिन किताब 2 पेज पढ़ रखा गया, 3 पेज पढ़ रखा गया, तो कम खरीदिए, उसी को रिवाइज कीजिए। इन्होंने क्या बताया कि रिविजन का आपका कम से कम होना चाहिए, है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर मैथ में भी पढ़ रहे हैं, तो रिविजन करने के लिए मैं बार बार आपको भी समझाता हूँ कि किस क्वेश्चन को रिविजन करना है, जो पहली बार में है। आप पूरे को बनाइएगा तो संभव ही, ऐसे मैथ रिविजन करने की जरूरत नहीं होती, GK करने की जरूरत। मैथ रिविजन करने का एक ही तरीका होता है, डेली प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और डेली प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका भी एक भी नियम भूलने वाले नहीं। हम भी नियम भूल सकते हैं, अगर हम प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे तो हम भी नियम नहीं भूल सकते। अभी देखे होंगे मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, तो सारे नियम क्यों आ जाते, क्योंकि हम प्रैक्टिस में नहीं। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस में रहना है। क्या इन्होंने क्या बताया कि भाई हमारे और औरों में बस एक ही अंतर था, हमारी मैथ अच्छी थी, रीजनिंग अच्छी थी, इसलिए हमारा स्पीड अच्छा हो जाता था। तो मैथ रीजनिंग तो आपको मैं अच्छा कर दूंगा, बाकी को अच्छा करना आपका काम है। फिर भी अगर आपके मन में कुछ और पूछने करे तो आप पूछ सकते हैं, ठीक ना। तो बगल वाला जब निकलता है तो पूछते हैं ना कि कितना देर से खड़ा थे, और सुबह 6 बजे लगे थे, 10 बजे निकल रहे थे, अंदाज लगाया था, अच्छा 4 घंटा मिनिमम, हमरो 4 घंटा लगवे करेगा, नहीं बोलते। तो ये रास्ते से तय कर लिए। तो अब आपके मन में कोई सवाल हो हम मन में पूछ सकते हैं। नाम प्रमोद कुमार, घर चैनपुर, दोनों भाई अपना ही हैं, सहोदर भाई। मैं अपने भाई की बदौलत ही यहाँ तक पहुँचे हैं, हम अपने भाई के साथ ही जॉनी की गाड़ी किए, गाड़ी के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं। और जो रिविजन की जो बात कहें, तो सिर्फ कोई एक बुक अपना चूज कीजिए, लुसेंट चूज कीजिए, या फिर और कोई भी बुक आप जो पसंद है, सिर्फ एक बुक को चूज कीजिए, उसी को रिविजन कीजिए बस। ये नहीं कि 1 से 2 बुक, 2 से 3 बुक ऐसा मत कीजिए, बहुत ही आप समस्याएं फंस सकते हैं। क्योंकि 2 से 3 बुक भी पढ़िएगा तो कहीं आपको लगेगा कि इसवी में गलती है, तो कहीं कहेगा नाम में गलती है, आपको कंफ्यूज हो जाएगा 2 से 3 बुक पढ़ने से। सिर्फ एक बुक ही को पढ़िए, उसी को रिविजन कीजिए, सिर्फ उसी पर विश्वास कीजिए बस। ये नहीं कहा कोई भी कह दिया कि नहीं ये बुक नहीं ठीक है, वो पढ़िए तो आपको भ्रम है। सिर्फ एक बुक पढ़िए, उसी पर विश्वास कीजिए अपना बस। पढ़ने के साथ साथ डेली सेट प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो आपको हम डेली बोलते आ रहे हैं, नहीं
और कितना पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिएगा तो अपने आप दिखाई देते रहेगा कि कितना और मुझे चलना है, कितना और पढ़ना है। प्रैक्टिस के दो फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं ना कि मैथ खत्म करेंगे, रीडिंग खत्म करेंगे, इंग्लिश खत्म करेंगे, जीके खत्म करेंगे, तब ना प्रैक्टिस प्रैक्टिस सोचेंगे। ऐसा मत करिए, प्रैक्टिस साथ साथ करते रहिएगा तो अपने आप आपको आंकड़ा पता चलते रहेगा कि कितने तरह का क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, कितना और मुझे पढ़ना बाकी है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ऐसे चीज पढ़ लेते हैं जिसकी कोई जरूरत कभी नहीं है, वो 5 साल पहले आता था, आता ही नहीं तो उसको पढ़ने से क्या फायदा। तो टेस्ट देते रहते तो उससे बहुत सारे फायदे पता चलता है कि हमको क्या क्या और पढ़ना है। नहीं तो आप लोग टेस्ट के साथ, पढ़ाई के साथ टेस्ट जारी रखिए, है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे, इनको आप लोग भले सोच रहे होंगे कि सर 6 साल लग गया था, 6 साल नहीं लगा, आपके समय और इनके समय बहुत अंतर था। विश्वास कीजिए 16 से आप 21 देखिएगा ना, 16 से 21 22 2 साल तो आपका कोरोना ही रह गया, तो 16 से 21 जब देखिएगा तो उसमें वैकेंसी गायब। SSC आया, अब कब लेगा परीक्षा, कब रिजल्ट देगा कोई पता नहीं। आप देख लीजिए दिसंबर में CGL का एग्जाम हुआ, अभी जनवरी पहुंचे हैं SSC GD का एग्जाम चालू है, नहीं फिर CGL मेंस का होगा, जो जिनका PT हो गया होगा, जिनका PT नहीं हुआ होगा CHSL का एग्जाम तुरंत है जी, और CHSL का खत्म हुआ अप्रैल में आपका MTS का है। और जैसा ही इधर खत्म होगा फिर से आपका नई कैलेंडर जारी हो गई है। तो आप अगर चाहेंगे तो 1 साल में रिजल्ट ले सकते हैं, इन्हें भी तो 1 ही साल लगा, कहाँ 5 साल लगा, इन्होंने तो 1 ही फॉर्म भरा रेलवे का, तो इनको 19 का ही फॉर्म मिला। नहीं तो आप भी अगर चाहेंगे तो आपका भी रिजल्ट आसानी से हो सकता है, बशर्ते आप मेहनत करें। क्या